हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस का टर्म टू का सैम्पल पेपर सॉल्व। तो इसके लिए हमें गिवन जो टाइम है वो 2 आवर्स है, और जो क्वेश्चन है उसके टोटल जो मार्क्स हैं वो है 40। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है टोटल 40 मार्क्स का। तो अब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। सेकंड जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है, द क्वेश्चन हैज़ 3 सेक्शन, क्वेश्चन में 3 सेक्शंस गिवन है एंड 15 क्वेश्चंस, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 15, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो सारे क्वेश्चन करने क्या हैं कंपलसरी। फिर जो थर्ड जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है वो क्या है, द सेक्शन ए हैज 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, सेक्शन बी हैज 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन सी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो जो सेक्शन ए है उसमें 7 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, और जो सेक्शन बी है उसमें 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, और जो सेक्शन सी है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं। देन नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन इज, इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस गिवन है, एंड स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव सच क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट को सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिन क्वेश्चंस में चॉइसेस गिवन है उसमें स्टूडेंट को सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि जिसमें और दे दिया है तो आपने दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वैसे अटेम्प्ट करने का। तो ध्यान से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिस क्वेश्चन में चॉइस गिवन है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन 1 इज, द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट गिवन है, इन 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और जो एलिमेंट है वो पी क्यू आर एंड एस है। बेसिकली इन्होंने एलिमेंट्स की आइडेंटिटी छुपा रखी है कि कौन सा एलिमेंट है ये। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट गिवन है और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन है, तो दोनों ही क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, 1-1 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 एलिमेंट के बीच में बनता है, जब दोनों एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पता चल गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो अब हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट पी, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो है 2.6। 2.6 को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एलिमेंट में उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन, और फिर जितना प्रोटॉन का नंबर होता है वही हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 8 कौन से एलिमेंट का होता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा कार्बन और इसके दोनों तरफ ये है ऑक्सीजन एटम। तो जो ऑक्सीजन एटम है उसके
फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन में है 2 फर्स्ट सेल में एंड लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाले हैं वो हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्लू वाले जो हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है इनमें। नेक्स्ट एलिमेंट जो गिवन है वो है क्यू। क्यू एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 281 और 281 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 11। इस वाले एलिमेंट में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या हो गए, प्रोटोन, और प्रोटोन के नंबर के बराबर ही एटॉमिक नंबर होता है। तो 11 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का होता है, सोडियम का, Na सोडियम। तो हमें पता है कि सोडियम कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जनरली ये फॉर्म करता है Na प्लस Cl नेगेटिव। सोडियम जो है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा P है ऑक्सीजन वही बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा R। R की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है, जल्दी जल्दी सब करें अपना अपना। तो R की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 287, तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 17 और 17, तो प्रोटॉन भी 17 एंड एटॉमिक नंबर भी 17। तो कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। यस यू आर राइट, जो आर एलिमेंट है उसका नाम है क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्या क्लोरीन कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका आंसर है यस। जो क्लोरीन है वो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो क्लोरीन है उसके लास्ट सेल में है 7 एलिमेंट और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो अब हम बनाते हैं कि कैसे इनका कोवलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ। तो जो ये हमारा कार्बन है इसके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पे हमारा क्लोरीन, दिस इज़ आल्सो क्लोरीन, हेयर आल्सो क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1 1 1। फिर तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे और इसका कार्बन का ऑक्टेट भी 8 कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। तो इन सारे के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फाइनली जो कार्बन है वो क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ओके। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा एलिमेंट गिवन है, तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एस। तो जो एस एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 और इसके प्रोटॉन भी 18, फिर एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 और 18 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का होता है, आर्गन। तो जो आर्गन है वो क्या है, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता।
तो ये है हमारा आर्गन, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब क्लियर हो गया कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये जो हमारा पी एलिमेंट है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये जो आर एलिमेंट है ये कोवेलेंट बनाएगा। तो पी एलिमेंट कौन सा था? ऑक्सीजन, एंड आर कौन सा था? क्लोरीन। तो जो क्वेश्चन ए है उसका आंसर है पी एंड आर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बी, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव रीजंस। तो इसका रीज़न देना है कि कार्बन क्यों सेवरल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा है कि जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। कार्बन इसलिए मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं क्योंकि कार्बन होता है टेट्रावेलेंसी शो करता है। इसके लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से सेवरल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम बिलो शो द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है ये पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट शो कर रहा है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है और दोनों ही क्वेश्चंस जो है हमारे 1-1 मार्क के हैं, 1-4 ईच। क्वेश्चन ए है, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करके आपस में कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे? तो हमें यह पता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारा, इसका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इस तरफ हमारा पीरियड्स होता है और इस तरफ ये हमारे ग्रुप्स होते हैं। जो हमारे एलिमेंट गिवन है वो है डब्लू एंड वाई जेड। डब्लू एंड वाई जेड हमें एलिमेंट्स गिवन है। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे होते हैं मेटल्स और इधर होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो इधर होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। लेफ्ट में जो होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं और राइट में जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो हमारे मेटल हैं वो नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। इधर हमारा मेटल है और इधर हमारा नॉन मेटल है। तो जो हमारा डब्लू है वो वाई या जेड के साथ वो हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो W है उसको हम Na मान लेते हैं और YZ को हम Cl मान लेते हैं। तो जो Na है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और Cl की एक्सेप्ट करने की, ये इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर उस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर खुद को स्टेबल कर लेता है। और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और जो इनका बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है NaCl, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो W एंड
वाई जेड के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जो वाई है और जेड है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सल्फर एंड फ्लोरीन का। तो सल्फर जो होता है, सल्फर और ये हमारा दो हो गया फ्लोरीन, तो सल्फर के आउटर मोस्ट, तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के भी होते हैं 6 इनके बीच में बनेगा बॉन्ड। ये इससे एक्सेप्ट करेगा, इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे और ये बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो SF2 है वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस किस के बीच में फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा वाई एंड जेड के बीच में। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस कौन कौन से कंपाउंड के बीच में फॉर्म होगा? वाई एंड जेड। नॉन मेटल में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिटवीन द टू एलिमेंट डब्ल्यू एंड जेड विच विल हैव अ बिग एटॉमिक रेडियस। W एंड Z, इन दोनों में से किसके पास हायर एटॉमिक रेडियस है? तो हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ये है इस तरफ को, ये हमारा पीरियड होता है और ये होता है ग्रुप, ये ग्रुप होता है। तो अलोंग द पीरियड जो शेल होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो अलोंग द पीरियड जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो जो सेल है, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो जो एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, और जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, तो जो सेल है वो छोटा हो जाएगा। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी छोटा रहेगा, लेकिन अलोंग द ग्रुप, ग्रुप में जो शेल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो जब शेल बढ़ेंगे, 1 shell 2 shell 3 shell, तो एटॉमिक रेडियस भी अपने आप बड़ा होगा। तो इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो W का ज़्यादा होगा, Z का कम होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो पार्ट्स गिवन है, A एंड B। जो A पार्ट है वो है 1 marks का एंड B पार्ट है वो भी है 1 marks का। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ए है, ट्रेस द पाथ ऑफ द मेल गैमेट टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। जब मेल गैमेट पेनिस से रिलीज होता है तो वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, तो वो पाथ हमें बताना है कहाँ पर वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है और जायगोट फॉर्म करता है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है एम्पुला। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन होता है वहाँ पर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। यहाँ से होता हुआ मेल गैमेट इधर आता है और यहाँ से फीमेल गैमेट जाता है और ये एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे आता है, और फिर ये जो मेल गैमेट है वो इसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है, एंड इसी जंक्शन पे मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं, और इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? एम्पुला या एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ऑफ
फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जायगोट। तो जायगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए फीमेल से एंड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए मेल से, और दोनों आपस में जब फर्टिलाइज हुए, फ्यूज हुए, तो फॉर्म हुए 2n ऑफ क्रोमोसोम। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जायगोट इज 2n। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, राजेश ऑब्जर्व अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मैश ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का पीस था जिसके ऊपर राजेश ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मैश इकट्ठा हो गया था। तो इसमें भी हमें दो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन 1 जो है वो 1 मार्क का है एंड क्वेश्चन 2 है वो भी 1 मार्क का है। तो क्वेश्चन ए क्या गिवन है क्वेश्चन 4 का, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें इसका जो नेम है वो बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ब्रेड है वो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी दिख रहा था, और इसका जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी बताना है। एंड क्वेश्चन बी जो है उसमें पूछा है, नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बताना है। तो जो हमारा ब्रेड है उस पर ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मैश इसलिए दिख रहा था क्योंकि जो हमारा ब्रेड है उसके ऊपर ये राइजोपस ग्रो कर गया है, ये हमारा फंगस लग गया है और वो फंगस है राइजोपस, इसके वजह से ये ब्रेड जो है वो ग्रीनिश ब्लैक दिख रहा था। तो जो राइजोपस होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन होता है, और राइजोपस की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है राइजोपस में। तो अभी जो हमने पिक्चर्स देखे उनके बेस पे हम कह सकते हैं जो द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू ब्रेड मोल्ड राइजोपस। किसकी वजह से जो हमारा ब्रेड है वो ग्रीनिश ब्लैक दिखने लग रहा है? क्योंकि उस पर ब्रेड मोल्ड राइजोपस ग्रो कर गया है विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। उसका जो एसेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोड्यूस करने का वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि इसके वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं राइजोपस के। तो राइजोपस के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं वो हैं हाइफे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसका जो हाइफे है वही है वेजिटेटिव पार्ट जो कि है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका वो टीनी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। जो टीनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है राइजोपस का वही है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मस्टर्ड वॉज ग्रोन इन 2 फील्ड, दो फील्ड में मस्टर्ड को ग्रोन किया गया, ए एंड बी, ए और बी फील्ड। दोनों ही फील्ड्स में मस्टर्ड मतलब सरसों बोया गया, वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर सीड्स। जो फील्ड ए था उसके जो सीड्स थे वो ब्राउन कलर के हुए, लेकिन जो फील्ड बी था उसके सीड येलो कलर के, दो कलर के सीड्स निकले। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग सो ओनली पेरेंटल ट्रेड।
जो ऑफस्प्रिंग था वो सिर्फ पेरेंटल ट्रेड को ही शो कर रहा था फॉर द कंसेक्यूटिव जनरेशन. वेयर एज इन फील्ड बी मेजर ऑफ द ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन इन द प्रोजेनी. लेकिन जो बी फील्ड था उसमें जो ऑफस्प्रिंग थे वो वेरिएशन शो कर रहे थे उनके प्रोजेनी में. तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस. इसके लिए प्रोबेबल रीज़न क्या है? तो इसके लिए दो रीज़न्स हैं. जो ए फील्ड है उस फील्ड में हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन. उस फील्ड में हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन जो फील्ड बी है इस फील्ड में हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन. जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके वजह से इनके प्रोजेनी में वेरिएशन आ रहा है फील्ड बी के. लेकिन जो फील्ड ए है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है इसीलिए इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंटल ट्रेड शो कर रहे हैं. सो दीज आर द टू रीजंस फॉर द वेरिएशन इन दीज टू फील्ड. इसी क्वेश्चन में चॉइस दे रखा है दो क्वेश्चन में. तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज. जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पीसीज उनमें इफ अ ट्रेड एक्स, अगर एक ट्रेड एक्स है एग्जिस्टिंग 5% ऑफ अ पॉपुलेशन, तो एक पॉपुलेशन का 5% जो है वो एक्स एग्जिस्ट करता है एंड द ट्रेड वाई एग्जिस्ट 70%, और जो 70% है उसी पॉपुलेशन का वो वाई एग्जिस्ट करता है. तो विच ऑफ द टू ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइज अर्लियर. तो इनमें से कौन सा ट्रेड है वो जल्दी अराइज करता है, गिव रीज़न और उसका रीज़न देना है. तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि जो एक्स ट्रेड है वो 5% है एक पॉपुलेशन का और जो उसी सेम पॉपुलेशन का ट्रेड वाई है वो 70% है. तो इनमें से कौन सा ट्रेड सबसे जल्दी अराइज होगा? और इसके लिए एक कंडीशन भी गिवन है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो इसका जो आंसर है वो है द वाई विच एग्जिस्ट 70%. वाई जो कि 70% एग्जिस्ट करता है, लार्जर फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है ऑफ द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में ये लार्जर फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है, इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर. वो जिसका लार्जर फ्रैक्शन है पॉपुलेशन में जो 70% है वही अराइज जल्दी होगा. बिकॉज इन अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस, क्योंकि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइडेंटिकल कॉपी होती है डीएनए की वो प्रोड्यूस होती है. मतलब कि जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो इसमें प्रिजर्व होते हैं और एंड वेरिएशन डू नॉट अकर, और वेरिएशन देखने को नहीं मिलता. न्यू ट्रेड कम इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सडन म्यूटेशन. कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिसके वजह से नया ट्रेड हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलता है. एंड देन और फिर हम उसको इनहेरिटेड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी. एक स्कूल लेबोरेटरी में एक सिंपल सा मोटर बनाया गया. अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सल बिटवीन द पोल ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट एज इलस्ट्रेटेड. एक वायर का कॉइल है वो इनके बीच में, इन दोनों मैग्नेट के बीच में रखा गया, हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में, जैसा कि इस पिक्चर में गिवन है. तो ये हमें पिक्चर दिया हुआ है. इन द एग्जांपल अबव, जो ऊपर हमें एग्जांपल दिया है कॉइल ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी कॉइल गिवन है इज़ हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल है
एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन, और जो बैटरी कनेक्टेड है वो ऐसे गिवन है। इसमें भी हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन वन इज वन मार्क एंड क्वेश्चन टू इज ऑल्सो फॉर वन मार्क्स। फिर क्वेश्चन वन क्या है, फॉर दिस पोजिशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द आर्म ए बी। ये जो आर्म ए बी है, ये जो आर्म ए बी है इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है वो बताना है। तो बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करते हैं, और इसको हम करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता करते हैं फोर्स या करंट या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें क्या गिवन होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो इंडेक्स फिंगर होती है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती है, जो मिडल फिंगर होती है वो हमें करंट का डायरेक्शन बताती है, एंड जो थंब होता है वो फोर्स बताता है कि फोर्स किस तरफ है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ए बी सी डी कॉइल में, ए बी आर्म में फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है एन टू एस, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो करंट का फ्लो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो हमारा मिडल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और फिर हमारा थंब अपने आप ही फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो उसका जो डायरेक्शन क्या है वो है डाउनवर्ड फोर्स। तो जो हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। सिक्स का क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाई डज द करंट इन द आर्म बी सी नॉट कंट्रीब्यूट टू टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। तो जो बी सी में जो करंट है वो फोर्स को, वो कॉइल के फोर्स को टर्निंग करने में, टर्न करने में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा वो हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन सिक्स है उसका जो बी पार्ट है उसमें ये बोला गया है बेसिकली, जो कॉइल ए बी सी डी का बी सी आर्म है वो इस कॉइल को टर्न कर, उसका फोर्स इस कॉइल को टर्न करने में हेल्प क्यों नहीं कर रहा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन से एस जा रही हैं, और जो ये बी सी है इसका डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी आई साइन थीटा। तो जो हमारा करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है बी सी का उसमें कोई एंगल नहीं है, तो हमारा थीटा क्या हो गया ज़ीरो। तो जो हमारा फोर्स है वो भी क्या हो गया ज़ीरो। इसीलिए जो हमारा बी सी है उसका फोर्स इस कॉइल को रोटेट करने में कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन सिक्स का जो ए पार्ट था उस पर जो फोर्स था वो डाउनवर्ड था, एंड जो क्वेश्चन बी था उसमें बी सी पे फोर्स क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज बी सी इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
उसी के सेम डायरेक्शन में BC है एंड द फोर्स इज मिनिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज द सेम एज डेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो भी होता है एक कंडक्टर में तो जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है एंड BC विल नॉट कंट्रीब्यूट एज द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द कोइल विल बी कैंसल्ड बाय द फोर्स ऑन DAR. क्वेश्चन सिक्स में ही एक और क्वेश्चन गिवन है जो कि ऑप्शन में गिवन है. वो क्या है? अ सर्किट कंटेन अ बैटरी. एक सर्किट है जो कि बैटरी है. उस सर्किट में अ वेरिएबल रेजिस्टेंट और उसमें वेरिएबल एक रेजिस्टेंस है एंड अ सोलेनोइड और एक सोलेनोइड है एंड द फिगर बिलो शो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय द करंट इन द सोलेनोइड. और ये जो सोलेनोइड है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हैं. तो इसमें भी दो क्वेश्चन गिवन है. तो क्वेश्चन ए क्या है? स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है इसको देखकर हमें बताना है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है वो ड्यू टू करंट होता है. जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनती हैं. जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होगा वहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो बहुत ही क्लोज आ जाएंगी. तो जो सोलेनोइड का एंड है, जो सोलेनोइड के दोनों एंड्स हैं वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है. तो इसका आंसर क्या है? हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के दोनों एंड्स पे देखने को मिलती है. क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट. What happened the magnetic field when the current in the circuit is reversed? अगर जो हम सर्किट के करंट को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किट के करंट पे ही बेस्ड होता है. तो अगर जो हम करंट को रिवर्स करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगा. जो ये सैम्पल पेपर है CBSE का टर्म 2 का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसका जो सॉल्यूशन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. तो आप वहाँ से जाकर इजीली पढ़ सकते हैं और इसके सारे आंसर्स भी डिस्क्रिप्शंस में हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquito. तो जो mosquito है उनकी breeding को regulate करने के लिए जो DDT है उसको spray किया गया. How would it affect the tropic level? तो ये tropic level को कैसे affect करेगा? In the following food chain. इस following food chain में ये tropic level को कैसे affect करेगा? तो जस्टिफाई योर आंसर. इस क्वेश्चन में अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. तो जब हम DDT को स्प्रे करेंगे तो जो DDT है वो लेक में, तो वो DDT लेक में आ जाएगी और वो लेक में आएगी तो मॉस्किटो की डेथ हो जाएगी. लेकिन जो DDT है वो लेक के अंदर ही रहेगी, उस वाटर में आ जाएगी और उस वाटर से जो DDT है वो जो प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स उनमें चली जाएगी और फिर उस प्लांट को, एक्वेटिक प्लांट को जो DDT है वो एक्वेटिक प्लांट में जाएगा और इस एक्वेटिक प्लांट को प्लैंकटोन्स खाएंगे और एंड प्लैंकटोन के अंदर DDT आ जाएगा एंड देन इस प्लैंकटोन को स्मॉल फिशेस खाएंगी तो स्मॉल फिशेस में DDT आ जाएगा एंड देन स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी तो इस लार्ज फिश में आ जाएगा एंड देन इसको हॉक खा लेगा तो उसके अंदर चला जाएगा. तो कितने कितने परसेंट जा रहा है उसमें जो DDT है वो 5% है. तो जब प्लांट को प्लैंकटोन्स ने खाया तो जो प्लांट है उसका 5% एंड
जो प्लैंकटन है वो तो ऑलरेडी उस वाटर में है, तो उसमें भी डीटीसी पहले से कुछ होगा, तो इसका 5% कितने हो जाएंगे, 10% तो प्लैंकटन में आ जाएगा। फिर जब प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाएगी, तो जो स्मॉल फिश है उसके पास 10% इस प्लैंकटन का, तो ये जो स्मॉल फिश है वो भी वाटर में ही है, तो इसका ऑलरेडी 5%, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 15%। तो जब लार्ज फिश इसको खाएगी तो इसके पास आ जाएंगे 15%, और 5% इसका खुद का होगा क्योंकि ये भी वाटर में ही रहता है, तो इसीलिए इसके पास 5% ऑलरेडी डीडीटी होगा। देन फिर इस लार्ज फिश को जब हॉक खाएगा तो इसके पास डीडीटी का लेवल हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से जो डीडीटी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ये सारे स्मॉल फिश, लार्ज फिश, प्लैंकटन्स ये सारे वाटर में रहते हैं, तो इसीलिए इनका कुछ परसेंट और जो ये अपने से छोटे ट्रॉपिक लेवल को खा रहे हैं उनका परसेंट दोनों मिक्स हो जाएगा। DDT बीइंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, जो DDT है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, वो डिग्रेड नहीं होती, तो वो उस वाटर में अगर हम छिड़केंगे DDT को तो वो उस वाटर में ही प्रेजेंट होगी, और फिर वो एक तो फिर वो फूड चेन में एंटर करेगी और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो द फूड चेन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, पहला ट्रॉपिक लेवल फूड चेन का क्या है, प्लैंकटन, प्लैंकटन से स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस से लार्ज एंड लार्ज टू हॉक। The non-biodegradable pesticide accumulate progressively at each tropic level. हर tropic level पे ये जो pesticide है वो accumulate होगी, बढ़ती जाएगी, and the phenomena is known as biological magnification. और इस phenomena को हम क्या कहते हैं, biological magnification. And hawk will have the हाइएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, एंड जो होक है उसके पास जो पेस्टिसाइड है उसका हाइएस्ट लेवल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7th है उसी में हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है, इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट एनर्जी लॉस टू द एनवायरनमेंट। ये जो वर्टिकल एरोज हैं वो एनर्जी लॉस को इंडिकेट कर रहे हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल एरोज इंडिकेट द एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और ये जो हॉरिजॉन्टल एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। विच वन ऑफ दीज थ्री वर्टिकल एरो ए सी एंड ई एंड विच वन of the two horizontal arrow B and D will represent more energy, इनमें से कौन सा more energy transfer show कर रहा है और give the reason, तो यहाँ पे 10% rule लगेगा। तो 10% law में क्या होता था, जो sun होता है उससे energy आती है, 1% एनर्जी प्लांट तक आती है, और वो 1% एनर्जी कितना होता है, 1000 जूल, प्लांट के पास आई 1000 जूल, और एनर्जी ट्रांसफ़र हुई 10%, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, 1000 का 10% 100 जूल, और जो एनर्जी है वो लॉस कितनी हुई, 900 जूल लॉस हो गई। फिर यहाँ डियर के पास 100 जूल एनर्जी से टाइगर को कितना मिला, इसका 100 का 10% मिलेगा, 100 का 10% 10 जूल, और इसका 90 जूल एनर्जी जो है वो डियर से लॉस्ट हुई। देन जो टाइगर है उससे जो
डेकम्पोजर्स हैं उनको मिलेगा 1% एनर्जी एंड लोस्ट कितने परसेंट होगा 9%। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारा ए है वर्टिकल एरो में से, जो हमारा ए है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, एंड हॉरिजॉन्टल रो में जो हमारा रो बी है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो हमारा आंसर क्या है, एनर्जी लॉस जो है वो ए में ज़्यादा होगा एंड एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो बी में ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, और हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी की भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके।